इन सब की तैयारी एक साथ क्या संभव है? आपको नौकरी चाहिए, वो आपकी जरूरत है, और आप एवरेज में, तो सोचिए जब कंपटीशन ही बेस्ट के बीच में हो रहा है तो बेस्ट ऑफ बेस्ट ही तो सिलेक्शन लेगा ना। और अगर साल दो तीन साल में आपका प्रीलिम्स नहीं निकला तो बहुत बड़ी स्ट्रेटजिकल चूक है ये, बहुत बड़ी स्ट्रेटजिकल चूक है। इसको सिर्फ हम नॉलेज का चूक नहीं कहेंगे। और अगर स्ट्रेटजी और प्लानिंग में ही इतनी कमजोरी है तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती है, लिख के रख लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, जेपीएससी, अलग अलग पीसीएस ने अलग अलग तरह की वैकेंसी निकाली है। यूपीएससी तो 2024 में होने वाला है, बाकी ये तीनों एग्जाम लेने वाली, और भी अदर अदर पीसीएस हो सकता है, कुछ लोग साउथ के हो सकते हैं, कुछ नॉर्थ के अंदर अलग अलग वैकेंसी होगी तो वो आप दे सकते हो, ठीक है, या वो भी आपके लिस्ट में होगा। सवाल ये उठता है कि इन सब की तैयारी एक साथ क्या संभव है, क्या एक साथ ये किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो कैसे, और नहीं किया जा सकता है तो मौका तो हाथ से छूट रहा है, फिर क्या होगा? देखिए, कुछ कड़वी बातें भी करेंगे इसमें, आपके काम की ही होगी। कुछ कड़वी बातें, कुछ सही बातें, जिसको हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, कभी खुद को बेवकूफ बना लेते हैं, कभी गार्जियन और सोसाइटी को बेवकूफ बना लेते हैं, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है ना तो वो सिर्फ अपने ही खुद पे ही आता है, उसे खुद ही झेलना पड़ता है। तो आप उसको इग्नोर करके बढ़ जाओगे और सोचोगे कि हम बच जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो बेहतर ये है कि कबूतर की सामने बिल्ली बैठा और कबूतर की तरह आंख बंद कर लेने से आप बिल्ली से बचेंगे नहीं, वो झपटा मारेगी और आपको खा जाएगी। इट मीन्स कि आप अभी इस टाइम में नौकरी की तलाश में, सख्त नौकरी चाहिए आपको, और एक अच्छे नौकरी की तलाश में। कुछ लोग अपग्रेड भी करना चाहते होंगे, ऑलरेडी जॉब में होंगे तो उनको भी चाहिए। सिंपल सी बात है कि आपको नौकरी चाहिए, वो आपकी जरूरत है, और कंपटीशन लगातार कम होता जा रहा है, गला काट प्रतियोगिता चल रही है, जहां पे एक अगर थोड़ा सा भी गिरा ना तो 10,000 उसके ऊपर से चढ़ के निकल जाएंगे। गिरने का मतलब एक सवाल भी गलत हुआ ना तो 10,000 आपके ऊपर है। तो आप सोचिए, ऐसे गला काट कॉम्पिटिशन में क्या किसी भी एग्जाम को छोड़ा जा सकता है, या थोड़ी भी कम तैयारी से क्या एग्जाम निकाला जा सकता है, एक बार सोच लीजिए। हाँ, अगर आपके पास कोई अदर तरीका है, अदर सोर्स है कोई निकालने का, तो वो बात अलग है। जो सामान्य छात्र हैं, जो ईमानदारी से पढ़ते हैं, बस उनकी बात हो रही है। वही कहा ना, कुछ बातें कड़वी लगेंगी थोड़ी सी। अब सवाल ये है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पूरा का पूरा यूपीएससी 2004 से को भी देना है और भी पीसीएस है इसको भी देना। अब उनके मन में आएगा कि ये सबको एक साथ कैसे कवर करें, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या छोड़ दें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यूपीएससी तो 2024 की बात है, हो सकता है एज खत्म हो गया होगा, तो और पीसीएस तो यूपीएससी से ज्यादा एज देती है, तो वो सोच रहे होंगे इन पीसीएस को टारगेट कर ले, है ना, उनको लगता होगा इन पीसीएस को टारगेट कर ले। तो सवाल ये उठता है कि कैसे, क्योंकि जेपीएससी का कुछ सिलेबस अलग है, बीपीएससी का कुछ अलग है, आरपीएससी का कुछ अलग है, फिर कैसे, या किसको छोड़े, या पकड़े तो कैसे सबको पकड़े, टाइप की चीजें आएंगी ना मन में। देखो, सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी कहा है कि गला काट प्रतियोगिता है, जहां पे आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए। जब आपको नौकरी चाहिए तो आपको अपने आप को उसी लेवल पे तैयार करना होगा। यदि आप बीपीएससी की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी या किसी भी पीसीएस की तैयारी के लिए आप अगर 10 घंटा लगाते हैं और कोई और दूसरा पीसीएस आपको मौका दे रहा है तो आप 16 घंटे लगाओ, आप 16 घंटे पढ़िए ना, आप 14 घंटे पढ़िए, एक्स्ट्रा जितना भी पढ़ सकना है पढ़िए, और उसको भी तैयार कीजिए, क्योंकि आपको सख्त नौकरी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने स्टेट में जॉब चाहते हैं, आप वो पर्टिकुलर जॉब चाहते हैं, क्योंकि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको होम कैडर मिली जरूरी नहीं है ना, तो आपको नौकरी चाहिए। रेलवे की तैयारी के लिए, एसएससी के लिए हम कहां नहीं जाते हैं, तो आपको एक नौकरी चाहिए, और आपने जो उस नौकरी के लिए एक सेक्टर कैटेगराइज किया है, उस सेक्टर का नाम है आईएएस या पीसीएस। अब इस आईएएस और पीसीएस के सेक्टर को आप अलग अलग करके मत देखो, एकदम से नहीं देखिए, ये एक कॉमन है। आप यूपीएससी इंक्लूडिंग पीसीएस को आप एक साथ लेके चलिए, अलग देखने की परंपरा छोड़ दीजिए, क्योंकि अलग देखने की परंपरा रहेगी ना तो आपको दिक्कत होगी। क्यों छोड़ दीजिए, इस पे भी अभी हम बात करेंगे। अभी अगर आपने सोच लिया है कि हमें इस तरह का नौकरी लिया, हमको इस तरह का नौकरी लिया, तो जहां जहां आप एलिजिबल हैं
वहां वहां आपको ट्राई करना चाहिए। क्राइटेरिया और थोड़े से सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन छोड़ने का सवाल नहीं। अगर छोड़ना सोच रहे हो तो इतना तय बात है कि आप एक कमजोर कैंडिडेट हैं जो मेहनत करने से भी भाग रहे हैं और प्रॉपर तरीके से, मतलब आप बस उस समय को टाल रहे हैं। कारण इसका यह है कि अधिकांशतः डिफेंड इस बात पे कर जाते हैं कि इसका सिलेबस अलग है। हम मानते हैं कि कुछ सिलेबस अलग है, तो इसलिए तो कहा आपको कि अगर 10 घंटे में आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 5 घंटे और निकालिए ना, थोड़ा कम सो लेंगे, थोड़ा कम घूम लेंगे, 5 घंटे और निकालिए उसका जो एक्स्ट्रा सिलेबस है कवर करने के लिए। लेकिन उसके पहले कॉमन सिलेबस को तो ढूंढ लो। दिक्कत यही है कि कॉमन सिलेबस पे तो हम काम ही नहीं करते, और जब कॉमन सिलेबस पे काम नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा सिलेबस दिखेगा कहां? सारा कुछ तो एक्स्ट्रा ही दिखने लगेगा। क्योंकि दिक्कत यह है कि हमारे पास प्लानिंग नहीं है, दिक्कत यह है कि हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हम हवा हवाई में तैयारी कर रहे हैं, और जब हवा हवाई की तैयारी होती है ना तो वो हवा हवाई ही रह जाती है और वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होता। अब आपको ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बिल्कुल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप में से अधिकांश लोग इसके सिलेबस को लेकर परेशान हो जाते हैं। चलो एक आध ऐसे पेपर है जहां पे सिलेबस बहुत बियॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अदरवाइज तो कॉमन सिलेबस, एक बार कॉमन को निकाल के उसको तैयार किया है पूरा। पहले ये बताइए, ईमानदारी से बताइए कि जो यूपीएससी और राजस्थान में बहुत सारे सेक्शन कॉमन है, बीपीएससी के अंदर भी वो सेक्शन आपको मिलेंगे, जेपीएससी में भी वो सेक्शन मिलेगा, क्या कॉमन सेक्शन को आपने अलग लिख के उसको तैयार करने की कोशिश की है प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर की है तो सही कर रहे हो। और उसके बाद एक्स्ट्रा बचता है ना कि झारखंड स्पेशल पढ़ना है या झारखंड का लॉ पढ़ना है या खरोस्टी खोठा पढ़ना है यार हम राजस्थान के कुछ स्पेशल को देखेंगे या बीपीएससी को देखेंगे या मेंटल एबिलिटी या एनालिटिक एबिलिटी को हम देखेंगे, जो भी देखेंगे वो तो उसके बाद है ना, वहां पे भी कॉमन हो जाएगा यूपीएससी के सीसेट के साथ पेपर आपका। आप सोचिए वहां भी कॉमन हो रहा है, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब हमने भी कॉमन को तो निकाला ही नहीं। कॉमन निकालते तो पता चलता, अच्छा हमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लिया है, हमने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लिया है, ये डन खत्म, क्योंकि हमने पढ़ लिया मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मतलब जितना भी इस तरह के कन्वेंशनल सब्जेक्ट है वो हमने पढ़ लिया तो वो खत्म हो गया ना, प्रीलिम्स में भी खत्म हो गया, मेंस में भी खत्म हो गया, क्योंकि दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़ा है और पढ़ रहे हो 4-5 साल से। ऐसा है नहीं कि अभी आप पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स एक भी निकल नहीं रहा मैक्सिमम लोगों का, क्योंकि कॉमन चीजों को निकाला ही नहीं, सिलेबस का बोझ सिर पे लेके घूम रहे हैं और सिलेबस को धीरे धीरे कम भी नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो कॉमन सेक्शन है ना, उस कॉमन सेक्शन को ढूंढ के उसको खत्म कीजिए, और कॉमन को एक जगह लिखिए, उसको उस सिलेबस के अंदर मत लिखिए, उसको अलग लिखिए, उसके अंदर कुछ खास है उसको उस सिलेबस में डालिए, बाकी जो रेस्ट टॉपिक बचता है ना वो इसमें डालते चले जाइए। उसके बाद देखो तो कितना बच रहा है, और क्या वो इस 10 घंटे के बाद एक्स्ट्रा 5 घंटे की तैयारी में पूरा नहीं होगा? तो छोड़ना तो बहुत आसान है, छोड़ना बहुत इजी है, तुरंत छोड़ देते हैं चीजों को, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के कर ले तो कोई दिक्कत है क्या? जो कि हमें यही करना है, हमें करना यही है। अब जब आपने कॉमन चीजों को निकाल लिया तब आप स्पेशल निकालेंगे, और जब आप स्पेशल चीजों को निकालेंगे तो आपको पता चलेगा हर जगह इतना इतना टुकड़ा है, हर जगह अलग अलग टुकड़ा है, और वो टुकड़ा भी आपका कहीं ना कहीं मैच करेगा। जैसे आप सीसेट की तैयारी करेंगे तो जब सीसेट की तैयारी करेंगे तो आप आरपीएससी के अंदर उसको देख लेंगे, राजस्थान वाले में आप उसको देख लोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैच करके कॉमन निकल जाएगा, और एकदम जो लास्ट में टुकड़ा बचेगा ना वो बहुत छोटा होगा, जो दो दो तीन तीन घंटे की पढ़ाई पे आप 2 महीना अगर आपको मिलता है ना आप उसको समाप्त कर सकते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा? आप अपने पिताजी को, अपने घर में अपने जो भी आपके गार्जियन होंगे उनको कहेंगे कि नहीं सिलेबस बहुत बियॉन्ड है, हमसे नहीं हो सकता, लेकिन कर तो कोई ना कोई स्टूडेंट ही रहा है, और नहीं हो सकता तो यहां थोड़ी ना हो रहा है, यहां भी तो नहीं हो रहा है। दिक्कत तो ये है क्योंकि हम बेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम एवरेज स्टूडेंट की तरह काम कर रहे हैं, और एवरेज स्टूडेंट की तरह काम करेंगे तो सवाल ही नहीं उठता है कि आपका एग्जाम क्रैक कर जाए, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट की तरह काम करेंगे तो हाँ हर बार एग्जाम में भीड़ का हिस्सा तो जरूर बनेंगे लेकिन रिजल्ट के ग्रुप के अंदर नहीं आएंगे।
क्योंकि वहां बेस्ट नहीं चाहिए, बेस्ट ऑफ बेस्ट चाहिए। बेस्ट ऑफ बेस्ट क्यों चाहिए? क्योंकि बेस्ट भरे पड़े हैं और आप एवरेज में। तो सोचिए जब कंपटीशन ही बेस्ट के बीच में हो रहा है तो बेस्ट ऑफ बेस्ट ही तो सिलेक्शन लेगा ना। अभी तो प्रीलिम्स का भीड़ छटना है, फिर उसके बाद मेंस की बारी आएगी, फिर इंटरव्यू की बारी आएगी। तो ये किसी भी स्तर पे आप लापरवाही नहीं कर सकते हो। और नौकरी के लिए एक टारगेट बनाइए, 2-4-5 साल का अगर टारगेट है तो फिर बेकार है। और अगर 2-3 साल में आपका प्रीलिम्स नहीं निकला तो बहुत बड़ी स्ट्रेटजिकल चूक है ये, बहुत बड़ी स्ट्रेटजिकल चूक है। इसको सिर्फ हम नॉलेज का चूक नहीं कहेंगे। और अगर स्ट्रेटजी और प्लानिंग में ही इतनी कमजोरी है तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती है। लिख के रख लीजिए जिसको भी रखना है। इसके लिए आपको बेहतर तरीके से अपने पढ़ाई को प्लान करना होगा, अपनी कमियों को निकालना होगा, अपने स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा, कहां पे कम काम करना है, कहां अधिक काम करना है, कहां पे हमें एक्स्ट्रा फोकस करके उसको इस पहले सुधार लेना है, किसको एग्जाम के टाइम में देखना है। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप एक एग्जाम भी नहीं निकाल सकते, 4 एग्जाम तो दूर की बात है। और अगर ये क्लियर है तो चारों का चारों एग्जाम निकलेगा, बैक टू बैक स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है, आपको पता होना चाहिए। जब एक बार आप तैयार हो जाते हो ना तो क्या यूपीएससी और क्या अदर पीसीएस, आप जहां बैठेंगे वही रिजल्ट देंगे। आप देखना कि कई बार स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आता, लेकिन जब वो बेहतर तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं, बेहतर तरीके से खुद को प्लान करते हैं, उस बीच में अपने आप को तराश लेते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट देना शुरू करते हैं तो ऐसा कोई यूपीएससी एंड पीसीएस नहीं है जहां रिजल्ट उनका नहीं आता है। हर जगह उसके बाद उनको चुनना पड़ता है कि हमें कहां जाना है। आप ये सब स्थिति कई बार पीसीएस यूपीएससी के अंदर हमने देखा है, बैंक्स में देखा है, एसएससी के अंदर देखा है। नौकरी जब लगनी शुरू होती है, इट मींस क्या, इट मींस कि उसने अपने आप को उस स्तर पे पहुंचा दिया है कि अब कोई इसको रोक नहीं सकता। अब जो एक्स्ट्रा सिलेबस है उसको एक्स्ट्रा तरीके से वो डील कर रहा है, कॉमन को कॉमन तरीके से तैयार कर रखा है, कौन रोकेगा उसको रिजल्ट लेने से? कोई नहीं रोक सकता। तो आपको उस लेवल पे खुद को तैयार करना होगा। अगर उस लेवल पे खुद को नहीं तैयार करते हैं ना तो फिर मुश्किल है। और उस लेवल पे तैयार होने के लिए किताबें भी पढ़नी है, नोट्स भी पढ़ना है, नोट्स भी बनाना है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है वो भी करना है, अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस को देखना है। ये सब जब तक नहीं देखेंगे और इसको जब तक बाहर नहीं निकालेंगे, और जो कमी है वो लोगों से बोलिए, कौन से लोग, आपके दोस्त और वो नहीं, जो आपके मेंटर हैं, जो जिससे आप गाइडेंस लेते हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनसे अपनी कमी को बताइए, कमी को खुल के एक्सेप्ट कीजिए और देखो तो कैसे नहीं आप ऊपर आते हैं। आप 100% सक्सेस करेंगे, सवाल ही नहीं उठता अनसक्सेस होने का, सवाल ही नहीं उठता कि आप अनसक्सेस कर जाए। लेकिन दिक्कत है कि इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना पहले। इसको कीजिए, बेहतर प्लानिंग बनाइए और किसी को मत छोड़िए। सारा एक कैटेगरी का हिस्सा है, उसके अंदर किसी को ज्यादा लिखना है, किसी को कम लिखना है, किसी में कॉन्सेप्ट ज्यादा है, किसी में फैक्ट ज्यादा है, दैट्स इट। और सबकी तैयारी आपको सारे एग्जाम में मदद करेगी, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी। तो होपफुली कि आप समझ गए होंगे चीजों को। तो इस तरह की जो है ना बचकानी वाले सवाल से आप बचिए, क्योंकि आप भी बड़े हो चुके हैं। अगर आप अभी तक इसी सवालों में उलझे हुए हैं तो दिक्कत है फिर, क्योंकि अब तक आप लोगों को वो स्ट्रेटजी उस चीजों से आपको गुजर जाना चाहिए था। अगर आप नहीं गुजर पाए हैं, और इवन नए स्टूडेंट जो आ रहे हैं वो स्टार्टिंग से ही इसको फॉलो कीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकेंड अटेम्प्ट काफी हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाके फिट हो जाओगे, बढ़ाते रहना उसके बाद अपने पोस्ट को। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। और देखिए जो सही है उसको सुनना सीखिए, जो आपको पसंद है सिर्फ वो नहीं, जो सही है उसको सुनना सीखिए, उसको बर्दाश्त करना सीखिए। जिस दिन सही बर्दाश्त करना सीख लोगे ना, उस दिन आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।